الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسرى تقيق مضاجعي فأنا अल खैर फाउंडेशन ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब और सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में मसाजिद की तामीर के प्रोजेक्ट 99 का जो वादा किया था वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। साल 2010 में कयामत खेज सैलाब आया तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहा ले गया। जहां इंसानों के घर इसमें मलिया मेट हुए वहीं मसाजिद भी सैकड़ों की तादाद में सैलाबी रैलों में बह गईं। सैलाब जदगान को जहां और बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था वहीं खुदा के हुजूर सजदा रेज होने के लिए भी उनके लिए कोई मस्जिद बाकी नहीं रही थी। सैलाब जदा इलाकों में मसाजिद या तो शहीद हो गई थी या इतनी खस्ता कि जहाँ लोग जमा होकर बाजमात सरबा सुजूद नहीं हो सकते थे। अलखैर फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम रशीद ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया तो सूरत हाल की नजाकत का इदराक करते हुए इमाम कासिम ने मसाजिद की तामीर के प्रोजेक्ट 99 का वादा किया। सैलाब से मुतासरा मुतअद्दिद मसाजिद की खुद बुनियादें रख कर वो इन मसाजिद की तामीर में भी खुद हिस्सा लेते रहे और काम की निगरानी भी करते रहे। Thank you very much, Mr. and Mrs. Salim Iqbal. Jazakumullah khair for donating this masjid. Here we are near DG Khan area, quite far from our usual masajids, basically. But alhamdulillah, we are pleased that we found a masjid which was in hidden location, and inshallah we are starting the construction work of this masjid as soon as possible. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you the way you are trying to support others. May Allah subhanahu wa ta'ala support you. Every single person who offers salah in this masjid, who recites Quran in this masjid, who studies Quran or any kind of knowledge, any good work which is done through this masjid, may Allah subhanahu wa ta'ala give you reward for every single step of those worshippers, for every single microsecond of their ibadah, inshallah. अलखैर फाउंडेशन के चेयरमैन ने इस मौका पर इस आज़म का अदा किया कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पैंती 36 साल को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कम कर रहे हैं, कुरान पाक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अलखैर ने आके इतना ऐलान किया है भाई असा आके इतना मस्जिद बनाने, अल्लाह पाक ने अलखैर को जज़ा खैर अता फरमावे। सैलाब की वजह से मस्जिदें ख़राब हुई हैं, उन्हें दोबारा तामीर कराया जा रहा है। ये सबसे नेक काम है अलखैर फाउंडेशन वालों का और हम इसे बेहद सराहते हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में मसाजिद की तामीर के प्रोजेक्ट 99 पर काम तेजी से अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा था तो इसी दौरान साल 2011 में सूबा सिंध को सैलाब ने आ घेरा। जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी और सैलाब जदगान की मुश्किलात को देखते हुए अलखैर फाउंडेशन इन लोगों की मदद के लिए सूबा सिंध में पहुंची और अपनी तमाम तर तवानाइयां सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए वक्फ कर दी। जिसकी वजह से अलखैर फाउंडेशन के मसाजिद की तामीर के प्रोजेक्ट 99 पर काम की रफ्तार सुस्त हो गई। وقلبي موجع طرف
लेकिन जूं ही सिंध में मुतासरीन सैलाब की मदद का काम मुकम्मल हुआ तो अल खैर फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट 99 पर फिर से काम शुरू कर दिया। अब तक जिला मुजफ्फरगढ़ में तहसील कोट अद्दू और दायरा दीन पनाह महमूद कोट और कस्बा गुजरात समेत मुतासर इलाकों में मसाजिद की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह जिला डेरा गाजी खान में भी सैलाब मुतासर गांवों और कस्बों में अल्लाह के घर फिर से तामीर हो चुके हैं। लैया के नवाही इलाकों और कस्बों में भी अल खैर फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट 99 के तहत तामीर की गई मसाजिद से अल्लाह अकबर की सदा पांचों वक्त बुलंद होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम जाम मस्जिद फारूकिया में हैं जो कि मोहम्मदपुर के इलाके में है और ये सदन पंजाब का हिस्सा है जो कि सिंध के बॉर्डर के करीब है, जामपुर का इलाका है। ये मस्जिद जामा मस्जिद फारूकिया काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। इधर अभी भी काफ़ी काम बाकी है और मीनार का काम चल रहा है जो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वज़ू एरिया और पानी का जो प्रोजेक्ट है उस पर गौर करेंगे और आगे जो है फिर और प्लास्टरिंग वगैरह जो भी काम कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस गुजारिश है आपसे कि जो है जो लोग इस प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। प्रोजेक्ट 99 के तहत अब तक 88 मसाजिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी है जबकि 11 के करीब मसाजिद बाकी रह गई हैं, जहां मिस्त्री और मजदूर भरपूर ईमानी जज्बे के तहत इन मसाजिद की तामीर में मसरूफ़ अमल हैं। अल खैर फाउंडेशन की तरफ से सैलाब से मुतासर इलाकों में 99 मसाजिद की तामीर का वादा चंद हफ्तों ही में वफा होने को है। इसी वादे की तकमील के साथ ही अल खैर फाउंडेशन को यह एजाज हासिल होगा कि सैलाब से मुतासर लोगों के घरों की तामीर में जहां उनका हाथ बटाया गया वहीं अल्लाह के घरों को भी फिर से आबाद करने में अल खैर फाउंडेशन ने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला। अल खैर फाउंडेशन उन तमाम खवातीन और हजरात की ममनून है जिन्होंने खुदा के घरों की तामीर के प्रोजेक्ट 99 में माली मुआवनत की और अतियात जमा कराए। अल खैर फाउंडेशन तवक्को रखती है कि जज्बा ईमानी रखने वाले तमाम लोग अल खैर फाउंडेशन के इंसानियत की फलाह के लिए शुरू किए गए मंसूबों में हमेशा अल खैर के कदम ब कदम रहेंगे और उनके हाथ हमेशा ऐसे मंसूबों की कामयाबी के लिए बारगाह इज्दी में उठते रहेंगे।